विकासशील इंसान पार्टी के सर्वोसर्वा मुकेश सहनी 6 के बदले 1.5 साल की मियाद वाली विधान परिषद की सदस्यता के लिए मजबूरी में राजी हो गए। शनिवार को जब घोषणा हुई कि उन्हें 1.5 साल की मियाद वाली परिषद की सीट मिलेगी तो वे मुकर गए, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर की। ट्वीट कर बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर वे परिषद की सदस्यता के लिए नॉमिनेशन करेंगे। उसके अगले दिन यानी सोमवार को उन्होंने पर्चा भर दिया। 21 जनवरी को उनका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री तो पहले से हैं, सच यह है कि उन्हें यह भी नहीं मिलता तो सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। विधायकों के कमांड से बाहर चले जाने के कारण एनडीए नेतृत्व पर दबाव बनाने की क्षमता उनमें नहीं रह गई है। विधान परिषद की 2 सीटें रिक्त हैं। परिषद के सदस्य सुशील कुमार मोदी राज्यसभा में चले गए, विनोद नारायण झा विधानसभा के सदस्य बन गए। दोनों भाजपा के हैं, लिहाजा उपचुनाव में उम्मीदवारी तय करने की जिम्मेदारी भाजपा की थी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने विकासशील इंसान पार्टी को परिषद की 1 सीट देने का करार किया था। करार के समय यह समझ बनी थी कि मुकेश सहनी तो विधानसभा चुनाव जीत ही जाएंगे, परिषद की सीट किसी कार्यकर्ता या दूसरी कतार के नेता को दी जाएगी। मुकेश हार गए, मंत्री बन गए तो उनके लिए किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। सहनी खुद विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवार जीत गए। विधानसभा की जैसी संरचना है उसमें वीआईपी के 4 विधायकों के समर्थन के बगैर सरकार नहीं चल सकती है। इस गणित से पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मुकेश सहनी बेहद प्रभावशाली हैं। सवाल उठता है कितने प्रभावशाली व्यक्ति की एनडीए ने क्यों नहीं परवाह की। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि एनडीए और खासकर भाजपा की रणनीति के सामने मुकेश सहनी टिक नहीं पाए। वे इतने मजबूर हो गए कि परिषद की 1.5 साल वाली सीट भी नहीं दी जाती तब भी वे सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। असल में विकासशील इंसान पार्टी के 4 में से 3 विधायक राजू कुमार सिंह, मिश्रीलाल यादव और स्वर्णा सिंह पहले से भाजपा या जदयू के साथ रहे हैं। इन विधायकों को टिकट देकर मुकेश सहनी ने इन पर कृपा नहीं की। भाजपा ने शर्त के साथ सहनी को सीटें दी थी कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जिसकी सिफारिश पार्टी करेगी। सिर्फ 4थे विधायक मुसाफिर पासवान राजद पृष्ठभूमि से हैं। ये विधायक जीत कर आते ही भाजपा से जुड़ गए। 4 सदस्यीय विधायक दल में 3 की ही मर्जी चलेगी, लिहाजा मुकेश सहनी का इन विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। ये सब भाजपा से निर्देशित हो रहे हैं। ऐसे में मुकेश अपनी पार्टी के विधायकों के दम पर एनडीए नेतृत्व पर दबाव बनाने की क्षमता खो चुके हैं। ऐसे में दबाव के बदले एहसान के तौर पर उनका नाम आगे किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।